हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन डिश। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड केक। ये एक ही केक बहुत सारे फ्लेवर से भरा है। बहुत ही इजी रेसिपी है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो इंस्टेंट बनने वाले इस केक को जरूर बनाएं। इसमें ना आपको ओवन की जरूरत है ना बेकिंग पाउडर की। ये बिना मैदे बिना अंडे के बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो हम इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। मैं एक पैन में एक कप पानी डाल रही हूँ। आप कोई भी कप या कटोरी से मेजर कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। तो ये देखिए हमारी जो चीनी है वो घुल चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर के लिए 1/4 इलायची पाउडर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए 2-3 उबाल आने के बाद हमारी जो चाशनी है वो बन के रेडी है। आपको इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल तार नहीं बनाना है, बस हल्का सा चिपचिपापन हो। तो अब मीडियम फ्लेम पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 किलो दूध। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। ये लगभग 4 टेबलस्पून है। तो मीडियम फ्लेम पे अब इस चीनी को हम अच्छे से घुलने देंगे। तो जब तक हमारी चीनी घुल रही है चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं यहाँ एक बॉल में ले रही हूँ 1/3 कप मिल्क, यानी कि 5 से 6 बड़े चम्मच दूध। दूध मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 स्पून कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च। इससे हमारे दूध में बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आ जाएगा, बिल्कुल रबड़ी जैसा। आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज कीजिए, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी कि कस्टर्ड पाउडर का यूज जरूर कीजिए क्योंकि इससे आपके केक में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लीजिए और 1 चम्मच मैदा। ये देखिए 3 से 4 उबाल आ चुके हैं दूध में। अब हम गैस को कर देंगे एकदम स्लो। हमने जो कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर वाला घोल बनाया है उसे हम धीरे धीरे दूध में डालेंगे। याद रखिए आपको दूध को चलाते रहना है कंटिन्यूसली और धीरे धीरे घोल को डालते रहना है, वरना दूध में लम्स बन जाएंगे। ये देखिए घोल डालते ही हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, इसकी वजह से आपको कोई भी एक्स्ट्रा एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टर्ड पाउडर से ही आपके केक को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इसमें मलाई। तो मैं यहाँ घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। दूध उबालने के बाद, दूध को फ्रिज में रखने के बाद जो एक मोटी सी लेयर आ जाती है ना मलाई की, बस उसी को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब मैं यहाँ 4 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। मलाई डालने के बाद आपके केक में बहुत ही रिच फ्लेवर आ जाएगा। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप कोई भी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मलाई को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो दूध है वो एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हमारे केक का सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, जी हाँ रस, जिसे टोस्ट भी बोलते हैं। ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके पास रस नहीं है तो आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि आप रस ही यूज़ करें। इससे बहुत ही अच्छा केक बनता है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ग्लास कंटेनर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास कंटेनर ही ले, आप कोई भी स्टील का या कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस वो इस तरीके का थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए। तो अब हम इसमें रस को सेट कर देंगे इस तरीके से। तो अगर रस को सेट करने के बाद आपकी साइड में जगह बच जाती है तो उसे भी आप रस के कुछ टुकड़े तोड़ के उसे फिल कर लीजिए। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे चाशनी। आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे रस जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें एक मीठा फ्लेवर आ जाएगा।
तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी कस्टर्ड क्रीम। इस तरीके से आपको पूरा कवर कर देना है। तो ये देखिए हमने रस को बिल्कुल कवर कर दिया है। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ काजू और बादाम का पाउडर। ये मैंने सिंपल घर में बनाया है, मिक्सी में आप ग्राइंड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम के पाउडर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम फिर से एक लेयर रस के लगाएंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर चाशनी डालेंगे। अब इसे फिर से कवर कर देंगे अपनी कस्टर्ड क्रीम के साथ। तो इस तरीके से सारी क्रीम को आपको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो अब हम इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता। आप अपनी फ्लेवर के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट से मैंने इसे गार्निश कर दिया है, लेकिन खाने के लिए अभी ये रेडी नहीं है। हमें इसे सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। अगर आप इसे शाम के टाइम बना रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह खा सकते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमारा केक अच्छे से सेट हो गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से सेट हो गया है ये। तो इस एक केक में आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्लेवर। इसमें आपको रबड़ी का फ्लेवर भी मिलेगा, कस्टर्ड का फ्लेवर भी मिलेगा और केक का भी। ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुंह में जाते ही एकदम घुल जाता है। ये देखिए साइड से इसकी लेयर्स। जी हाँ, आ गया ना मुंह में पानी। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जब भी आपको इस डिश को खाना हो फ्रिज से निकालिए और जितना ज़रूरत हो उतना खाइए और वापस से फ्रिज में रख दीजिए। ये 3 से 4 दिन तक ये डिश बहुत अच्छे से चलती है। तो ये देखिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सॉफ्टली कट हो रही है ये। कट करने के बाद हम इसका एक पीस इस तरीके से निकाल के प्लेट में रख देंगे। ये देखिए आ गया ना मुंह में पानी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।